आईबीएस को हराएंगे साथ हेलो मिलके, आईबीएस को हराएंगे बिना किसी दवा के, आईबीएस को हराएंगे बिना किसी पुड़िया के, आईबीएस को हराएंगे बिना किसी सर्जरी के, बिना किसी एंडोस्कोपी कोलोनोस्कोपी के। बिल्कुल सही सुना आपने, GSB 35 से, GSB बिहेवियर थेरेपी से। बिहेवियर थेरेपी, कोई आईबीएस की बात सुन ले, उसको सुन ले, उसके तकलीफ सॉल्व कर दे, उसकी नकारात्मक सोच को सकारात्मक में बदल दे, नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दे, ये है बिहेवियर थेरेपी और यही है GSB 35। अपनी पैथी से हम आईबीएस, कोलाइटिस, क्रोन्स, सोराइसिस हाँ ऐसे बीमारियां हैं ये ठीक करते हैं, जी और पिछले 2 साल से पता नहीं कितने लाखों लोग हमसे ठीक हो चुके हैं GSB 35 से। आज हमारे जुड़े हुए हैं पटेल साहब, पंकज पटेल जी, जो कि अपनी जर्नी जो थी इनके आईबीएस की वो शेयर करेंगे पूरी आवाम से। पंकज जी आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल GSB फिट में। सर। प्रणाम सबसे पहले सर को हम नमस्कार करना चाहूंगा। अब जी। फिर जैसा कि सर ने बताया मेरी जर्नी के बारे में, तो सर मैं लगभग जब मैं कक्षा 9 में पढ़ रहा था, लगभग समझ लीजिए 6 साल पहले, तो क्या सर मुझे पेट की प्रॉब्लम हुई, तो वगैरह घरेलू आसपास दवा लिए, उसे नहीं ठीक हुआ। तो धीरे धीरे अपना जांच वोच करवाए कि क्या है, नहीं ठीक हो रहा था। जाँच में सब नॉर्मल निकल रहा था, तो ऐसे करते करते गोरखपुर हुआ, बनारस हुआ, बहुत दूर दूर तक, मतलब टेस्ट और चेकअप और बड़े बड़े डॉक्टरों से दिखाया, कुछ नहीं निकल रहा था, ठीक ही नहीं हो रहा था। तो फिर कुछ दिनों बाद कुछ लोग कहें कि तुम ज्यादा सोचते हो, इसकी वजह से हो रहा है। तो एक डॉक्टर थे, उनसे दिखवाया भी, मस्तिष्क के जैसे वो विशेषज्ञ थे, तभी उतना रिलीफ नहीं हुआ। इसी तरह करते करते कुछ दिनों पहले आपका वीडियो देख रहा था, लगभग दिसंबर में, तो सोचे कि बहुत लोग अच्छे हो रहे हैं, हम भी ज्वाइन होते हैं, तो आपसे ज्वाइन हुआ मैं। तो उसके बाद ऑफर चल रहा था, तो उस टाइम मैंने जनवरी ज्वाइन कर लिया। उसके ज्वाइन करने के बाद कुछ प्रॉब्लम की वजह से, जितना मतलब डाइट प्लान सर बता रहे थे हैदरअली सर, उतना हमें लग रहा था हम फॉलो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं घर छोड़ के इतना दूर से, हमारा घर आजमगढ़ है, मैं बरेली में डिप्लोमा करता हूँ, तो पढ़ाई भी करना है, उसमें भी डाइट प्लान ज़्यादा हो जाएगा, तो इस वजह कि नहीं हो पाएगा। तो 2 महीने तक छोड़ दिया, 2-3 महीने तक, फिर अप्रैल से फिर से ज्वाइन किया। तो अप्रैल से ज्वाइन किया, फिर उस बार डाइट प्लान सर बताए, इसको फॉलो किया, और पहले से काफी अच्छा फील कर रहा हूँ अरे वाह, जी सर। ये अगर पहले कर लेते, पहले ठीक हो जाते। देखा, यही तो दिक्कत है हमारे यस सर, जितने मालूम नहीं चला पहले। हमारे पेशेंट्स हैं ना, यही बस यही जो आपने बोला, बिल्कुल सही बोला आपने। वो कहते हैं अरे यार कौन डाइट करेगा, कौन वर्कआउट करेगा, कौन प्राणायाम करेगा। वो एक वो आता ना, वो पत्ता सा आता, पत्ता खोलो गोली निकालो और खा लो, पत्ता खोला निकाली गोली और खा लो, वो सिंपल यस होता है। और वो उससे वो ठीक होता नहीं, आईबीएस वापस वापस आता है। कोई आदमी मेहनत करने को, ये दिक्कत है हमारे अवाम के साथ थोड़ा सा ना, अगर बात मान ली जाए, बात मान समय रहते बात मान ली जाए, तो आईबीएस फटाफट ठीक हो जाएगा, फटाफट ठीक होगा। तो कुछ प्रमाण वगैरह है आपके पास पंकज जी, कुछ जी ब्लड सर, टेस्ट वगैरह, कुछ रिपोर्ट्स वगैरह हो आपके पास, दिखाइए एक बार। रिपोर्ट तो सर वैसे चेकअप करवाए थे, तो सर घर पे छूट गया है, तो उसको ला नहीं पाया यहाँ पे। जब यहाँ थे तो एक बनारस, एक BHU यूनिवर्सिटी, बहुत बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है, तो वहाँ से मैंने दिखाया, तो ये रिपोर्ट थी, वो आयुर्वेदम दिखवाए थे, लगभग अच्छा, वहाँ 2 महीने तक दिखवाए, कुछ रिलीफ ले नहीं थोड़ा हुआ पास जी लेके, सर कैमरे के दिख नहीं रहा, पास जी सर। लेके आओ कैमरे, क्लोजअप में लेके आओ। अच्छा, दिख रहा है सर हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। ओके ओके, गैस, म्यूकस, हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, दिख गया पंकज जी, जी सर। बड़े धन्यवाद। अच्छा तो मुझे एक बात बताइए, एंजाइटी हुआ करती थी? एंजाइटी, नेगेटिव थॉट्स, घबराहट, ये सब हुआ करता जी सर, बहुत ज्यादा हो रहा था सर था, बहुत ज्यादा हो रहा था, तो अब कैसा फील करते हैं? ये सब, जैसे पेट की, पहले से सर काफी अच्छा फील करता हूँ, पूरा नहीं लेकिन काफी अच्छा फील कर रहा हूँ पहले से जी बहुत बढ़िया, तो अभी भी वो नेगेटिव थॉट्स अब तो सर। नहीं आते होंगे? नेगेटिव थॉट्स, एंजाइटी अब तो नहीं आता होगा, अब तो आना बंद हो गए होंगे अब तो जी सर जी सर, पहले जी। तो कम हो गया सर कभी बहुत। ऐसा मन भी किया कभी पहले कि यार मैं क्या हो रहा है मेरे शरीर के साथ? जैसे हमारे जो बाकी क्लाइंट्स हैं, पेशेंट्स हैं, बोलते हैं कि सर हमारा मन करता है कि हम आत्महत्या कर लें, हम
हमारे बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं हमें, कभी ऐसा ख्याल भी आए थे आपके दिमाग में सर आए थे? हाँ जी सर जी सर, ऐसा ख्याल आया था बहुत बार जी सर। ऐसा तो होता था सर जैसे कि इतना कुछ कर लें उसके बाद नहीं ठीक, और आखिर बात क्या है सर, ऐसे जीने से मतलब कोई है नहीं, इसमें सुसाइड कर लिया जाए, बस ऐसा ऐसा नेगेटिव ख्याल आते थे जी सर। तो चलो अब तो कुछ नहीं होता ना, अब तो बढ़िया जी रहे हो, अब शक्ल देख के लगता है तो फास्ट पुष्ट हो गए हो, वजन वगैरह बढ़िया हो रहा है आपका, एकदम गाल भर गया, बढ़िया हो गया आपको जी नहीं सर हाँ सर, पहले तो काफी अच्छे हैं सर। बहुत बढ़िया, आप तो आप यस देखो सर यस आप सर तो आप टीवी पे आने वाले हो, बन गए स्टार सर, अब लाखों लोग देखेंगे आपको हमारे साथ, अब ये हमारे यूट्यूब जो हमारे आईबीएस वीडियो होती है लाखों व्यू आते हैं उसके ऊपर, अब लाखों लोग आपको देखने वाले हैं, देखो आप स्टार बन गए आपसे हमारे साथ जुड़ के जी तो जी सर जो हमारे आवाम है वो उनको थोड़ा अगर अपने मोटिवेट करना हो थोड़ा सा, बच्चे हैं यू नो, लड़कियां हैं लड़के हैं जो आत्महत्या करने के बारे में सोच रहे हैं, उनके दिमाग में ख्याल आते हैं कि यार हमें आईबीएस हो रखा है ठीक तो हो नहीं रहे, इससे अच्छा अपनी नस काट लेते हैं, देखो ऐसा होता है हमको आए दिन मैसेज आते हैं कि सर हमारा यस मन सर करता है होता हम नस काट लें अपने आप को टांग लें, कोई कहता है हम बेगोन पी लेते हैं, बेगोन पीने का मन कर रहा है किसी का, बताओ बेगोन ना हो गया वो माजा हो गया कि भैया माजा पीने का मन कर रहा है, तो ऐसी ऐसी बातें आती हैं हमारे यस सर सामने, आप बताइए क्या बोलना चाहेंगे ऐसे लोगों को, आप कैसे करेंगे मोटिवेट? मैं ऐसे दोस्तों को यही बोलना चाहूंगा कि ये जो आईबीएस है, आईबीएस का इलाज संभव है, ये ठीक हो सकता है, बस थोड़ा इसके लिए थोड़ा कठिन कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, डाइट फॉलो करनी पड़ेगी, और बहुत ज्यादा मतलब परहेज करना है, लेकिन जब कर लेंगे तो अच्छे से आप ठीक हो सकते हैं। जैसे मैं फिलहाल पहले से बहुत ज्यादा अच्छा हो चुका हूँ, अपने जैसे डाइट है डाइट फॉलो कर रहा हूँ, बहुत अच्छा हो रहा हूँ। और उसी तरह अगर जो आईबीएस से पीड़ित हैं वो डॉक्टर गुरप्रीत सर से मिलें, वो भी अच्छे हो सकते हैं जैसे हम हो रहा हूँ। बहुत बढ़िया, मैं एक हॉलिस्टिक कोच हूँ, और आपने इस डॉक्टर का वो डेजिग्नेशन दे दिया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मैं अपने आप को एक सेवक मानता हूँ, जनता का सेवक हूँ और एक हॉलिस्टिक अप्रोच का जीता हूँ जी रहा हूँ, सबकी सेवा में हाजिर हूँ, सबको ठीक जी करने का मेरा प्रयास है अपने तरीके से, अपने तरीके से, है जी ना। सर जी धन्यवाद पंकज जी जो आपने हमें समय दिया, अभी आप कॉलेज से आए थे आपने समय निकाला हमारे लिए और अच्छे हो गए हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपको देख के, और मैं चाहता हूँ जितने जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ वो भी ऐसे ही हष्ट पुष्ट हो जाएं, अच्छा जीवन जी, यस सर नकारात्मक ख्याल से दूर रहे, धन्यवाद पंकज जी, धन्यवाद।